वेज खाने वालों के लिए आज हम बना रहे हैं मशरूम गलौटी कबाब, और वो भी स्मोक्ड फ्लेवर में। लेते हैं एक ग्राइंडर जार, उसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच गुलाब की पंखुड़ियाँ, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच हरी इलायची, 1 छोटा चम्मच लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्रफूल, 1 जावित्री, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच दगड़ फूल, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच खसखस, 1 छोटा चम्मच जायफल पाउडर और 1 बड़ा चम्मच शाही जीरा। इन सब को अच्छे से पीस लेते हैं। अब लेते हैं एक कढ़ाई, कढ़ाई में लेते हैं 1/4 कप घी। घी गर्म होते ही उसमें डालते हैं 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। हो गया हमारा प्याज सॉफ्ट। अब डालते हैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब डालते हैं 1 कप उबालकर बारीक काटे हुए मशरूम, 1/4 कप बेसन, 1/2 कप उबले हुए आलू और 1/2 कप घिसा हुआ पनीर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और डालते हैं 1/4 कप धनिया पत्ते, 2 छोटे चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच गलौटी मसाला। अब इसे पाव भाजी मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लेते हैं। मैशर की जगह आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वक्त है स्मोक्ड फ्लेवर देने का। गैस को बंद कर देते हैं। एक कटोरी में रखते हैं 1 जलता हुआ कोयला और उस पर डालते हैं 1 छोटा चम्मच घी। कोयले पर जैसे ही आप घी डालेंगे वैसे ही धुआं आना चालू हो जाएगा। इसे तुरंत ढककर रख दे कम से कम 10 मिनट तक। इस मिश्रण से बनाते हैं कबाब की टिक्कियां इस तरह। अब लेते हैं एक पैन, पैन में लेते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। टिक्कियों को दोनों तरफ से हल्का भूरा होने तक तल लें। लीजिए, हो गए हमारे स्मोक्ड मशरूम गलौटी कबाब रेडी। तो बनाइए अपनी पार्टी को और शानदार इस अनोखी रेसिपी के साथ, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जूस फूड।